नमस्कार साथियों, मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। अभी मैं हूँ निजामपुर गांव में और निजामपुर गांव के पास एक प्रत्याशी निकल चुके हैं। सोलर पंचायत से बिलोंग करते हैं और इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीडीसी का। और इतना अपार समर्थन मिल रहा है लोगों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, और लगता है कि इस बार ये बीडीसी का चुनाव लड़कर जीतकर ब्लॉक प्रमुख बनने का दादर मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं, सबसे पहले इनको शुभकामनाएं देते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार पूरा ग्रामवासियों को, सोलर पंचायत का हमारी तरफ से धन्यवाद है। पहली बार लड़े चुनाव, दूसरी बार? जी पहली बार लड़े। पहली बार जी। आज आपका नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं? जी। नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है, इतना युवाओं का प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार किस किस मुद्दे पे, किस किस विचारधारा पे काम करेंगे? विकास के मुद्दे पर हम काम करेंगे, शिक्षा और शिक्षा पे। जी चलिए बात करते हैं बीडीसी का। जो महत्व होता है, एक ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, काउंसिलिंग रूप में होता है या कोऑर्डिनेटर रूप में होता है। पंचायत में दो ही लोग का एक महिला मतलब समझ में जनता समझती है, एक पंचायत में मुखिया पद का, एक सरपंच पद का, बाकी अब तो वार्ड को भी समझते हैं। लेकिन बीडीसी का उतना लोग नहीं जान पाते, बीडीसी कौन है, बीडीसी काम क्या है, बीडीसी कार्य क्या होता है। सही बोल रहे हो ना, लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन इस बार आपके जीतने के बाद से क्या लगता है कि आपके पद को सही मायने में लोग जान पाएंगे कि हाँ बीडीसी भी ऐसे कार्य होता है, बीडीसी में ये फंड आता है और ये पद होता है और इस कार्य से ये काम हो सकता है? जी जी, सबको जानते हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं, सिवान भी करते हैं, करते रहेंगे। आपका पूरा नाम? पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र कुमार जी, बताइए कि इस पंचायत में कितने गांव है? सोलर बाजार से, सोलर पंचायत से पा रहे हैं जी? सोलर पंचायत से? जी सोलर पंचायत से। इसमें कितने गांव है, कितने वार्ड है? सात गांव है। सात गांव जी, वार्ड 13 है। आपने सब भ्रमण किया है? जी। भ्रमण करने के दौरान जी सबसे ज्यादा कमी क्या दिखा है? महिलाओं को, बच्चों को, शौचालय कमी है, शिक्षा कमी है, रोजगार कमी है? शिक्षा की कमी है और रोजगार की कमी है। अभी आप नामांकन भ्रमण जा रहे हैं जी, तो लोगों से क्या विचार? जनता हमको सेवा करती है, ठीक है, करती है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हां काम। चलिए ग्रामीण जनता जुड़े, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? युवा हैं और के साथ जा रहे हैं जी? हम जान का उनका बहुत फुल सपोर्ट है हम लोग। बाबा जी क्या कहेंगे आप, प्रस्ताव कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? कहेंगे हमारे लड़का बहुत अच्छा से पंचायत को विकास करें, हर क्षेत्र। हम ये कहना चाहते हैं कि विकास करें, विकास करें जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग सेवा करते हैं, ये मेरा छोटा भाई है और हम लोग सिवान में हॉस्पिटल चलाते हैं, ऐसे भी लोगों को सेवा हम लोग करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ऐसे विकास, शिक्षा और विकास का बारे में हम लोग सेवा करते रहेंगे। जन समर्थन मिल रहा है, अगर बीडीसी के चुनाव जीत जाते हैं तो क्या लगता है ब्लॉक प्रमुख बनने के दादर मानते हैं अपने को? हाँ 100% मानते हैं सर अपन। जी जी सच मानते हैं। क्या कहेंगे आप युवा? सबसे पहले बात करते हैं विकास की, तो विकास करने की तो बात है, लेकिन जो इंसान अगर 5 साल पहले से विकास कर रहा है और लोगों को सपोर्ट करता है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो एकदम दायित्व बनता है कि आगे बनने के बाद भी विकास कर सकता है। एकदम 100% विश्वास है कि विकास करेंगे शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, क्योंकि आजकल के टाइम में जो पढ़ाई कर रहा है लेकिन बेरोजगार है, इनसे अपील है कि हम लोगों को रोजगार दिलवाए और स्वास्थ्य के तो हेल्प करते हैं और विकास भी करेंगे। बाकी धन्यवाद। आप लोग वादा करते हैं कि काम करेंगे? बोल रहे हैं सर विकास चाहिए आपसे, विकास देंगे आपका? जी विकास देंगे, बिल्कुल विकास देंगे। धन्यवाद। काम किए हैं, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। काम किए हैं, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। जिसका को सिखा देंगे, जीत के आपके बीच रहेंगे। पंचायत में बात किए, ग्राम पंचायत सोलोर पंचायत के निवासी हैं पुष्पेंद्र कुमार जी। पुष्पेंद्र कुमार जी जो बीडीसी के चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार चुनाव जीतकर ग्राम सेवा करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत का विकास करना चाहते हैं और इस बार वो बीडीसी का चुनाव जीतकर ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए भी अपने आप को मानते हैं। मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।